जय हिंद साथियों, वेलकम टू स्टडी फॉर जीनियस। मैं हूं प्रिंस, नाम तो सुनाई होगा। जी हां फ्रेंड्स, एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी को लेकर छात्र बहुत ज्यादा परेशान होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों एसएससी लगातार दोस्तों छात्रों को यहां पर गुमराह कर रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स, पहले एसएससी ने बोला था कि 25 मार्च से आपके जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स आवेदन शुरू नहीं हुए, ये आप भी जानते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं कि भाई हमारी भर्ती कब सी होगी, हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, परेशान होना आपका लाजमी है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर दोस्तों आप इस तरह ही YouTube पर सर्च करते रहेंगे कि नई भर्ती कब आएगी, आज क्या हो रहा है, नोटिस कब आ रहा है, ये क्या आ रहा है, तो दोस्तों ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। क्यों गलत कर रहे हैं? क्योंकि फ्रेंड्स जो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा ये गलत है। क्योंकि जिस टाइम की दोस्तों आप अब कीमत समझ नहीं रहे, वो टाइम की कीमत दोस्तों आपको एग्जाम हॉल में याद आएगी। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिन्होंने दोस्तों यहाँ पर इसको एक प्रकार से अपना बिजनेस बना दिया है कि इस दिन आपकी वैकेंसी आएगी, इस दिन वैकेंसी आएगी, लगातार लाइव आ रहे हैं। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ, इसमें फायदा क्या है आपका? कुछ भी दोस्तों बेनिफिट आपका नहीं है, क्योंकि जिस दिन दोस्तों वैकेंसी आएगी आपको पता चल जाएगा। हो सकता है आपको 2 घंटे बाद पता चले, 3 घंटे बाद पता चले, लेकिन पता तो चली जाएगा ना। अगर दोस्तों आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो ये आपको आगे जाकर नुकसान देने वाला है, रियलिटी में आपको बता रहा हूँ। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। कुछ लोगों ने तो ये सोच लिया है कि भाई बहुत ज़्यादा इजी पेपर आएगा, निकल जाएगा, जब से आवेदन शुरू हो जाएंगे उसी दिन से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन नहीं, ये सबसे गलत सोच होती है स्टूडेंट की। जो लोग ये सोचते हैं ना कि जब आवेदन शुरू होंगे तभी हम फॉर्म अप्लाई करेंगे, ये दोस्तों सबसे बड़ी मिस्टेक है। जी हां फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ यूट्यूब वाले क्या करते हैं। भाई मैं भी यूट्यूबर हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर बताता हूँ, आपको दोस्तों अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर बिल्कुल दोस्तों यहां पर ध्यान नहीं है, वो है अपनी स्टडी। क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि भाई जब आवेदन शुरू होंगे हम तो तैयारी तभी शुरू करेंगे, भाड़ में जाए सब कुछ। लेकिन दोस्तों आप ये सबसे गलत कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले दोस्तों एक यहां पर नोटिस आया था, वो नोटिस आप मेरे बराबर में देख सकते हैं। नोटिस नहीं दोस्तों, इसे न्यूज कह सकते हैं। इस न्यूज में साफ बोल दिया है कि आपकी जो भर्ती है इसमें 1 महीना भी लग सकता है, यानी 1 महीने का टाइम और आगे लग सकता है, तब जाकर आपकी जो भर्ती है ये पूरी हो पाएगी, यानी इसके आवेदन शुरू हो पाएंगे। तो अब दोस्तों आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि जब आवेदन की डेट चेंज हो गई है तो क्या एग्जाम की डेट भी चेंज होगी? देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल आपने ठीक सोचा है, डेट चेंज होगी, लेकिन क्या पता दोस्तों एसएससी इसी कैलेंडर पर आपकी भर्ती करा दे, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा है। ठीक है, इस टाइम को आप ज्यादा वेस्ट ना करें, मैं आपसे यही बोलूंगा। अगर माँ बाप का सपना पूरा करना है ना, तो भाई आज से ही होली मना ली है, आज से ही दोस्तों स्टडी में लग जाइए, अपना मन तन सब कुछ दोस्तों स्टडी में झोंक डालिए, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। आगे जाकर दोस्तों क्या पता आपकी ओवर एज हो जाए, क्या पता भर्ती नहीं आए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है मेरे दोस्त। अगर आप इसी तरह सोचते रहेंगे कि नई भर्ती में देख लेंगे क्या जा रहा है, अभी बहुत एज है या और भर्ती आ रही है, तो ये सबसे बड़ी गलत सोच होती है। इससे माइंड डाइवर्ट हो जाता है और चारों दिशाओं में माइंड जो है भागने लगता है। तो यही सोचे भाई, ये ही हमारी लास्ट वैकेंसी है, इसी में हमें सब कुछ करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ना, ये आपको कोई कोई स्टूडेंट, कोई कोई जो यूट्यूबर है वही बता सकता है, लेकिन जिसे सिर्फ एक बिजनेस पर्पज से दोस्तों यूट्यूब पर जो वीडियो बनाते हैं ना, वो आपको ये बात नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि स्टूडेंट क्या देख रहा है, उसे पता है स्टूडेंट देखता क्या है नई भर्ती के बारे में। तो फ्रेंड्स, नई भर्ती आएगी, टेंशन नहीं लेना है। बस टेंशन किस बात का है आपको? टेंशन इस बात का है भाई आवेदन शुरू नहीं हो रहे यार, जब आवेदन आपके एसएससी ने बोल दिया है तो 101% हो गए। अभी दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख का कुछ मामला है जिसकी वजह से आपके आवेदन शुरू नहीं हो रहे, तो आवेदन तो शुरू होंगे, लेकिन आपकी तैयारी कितनी है? मान लीजिए कल आपका एग्जाम हो जाए तो आप कितने सही कर सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों आप, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि सभी लोग नहीं पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम लोग पढ़ भी रहे हैं, तो आप दोस्तों प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर दीजिए, और आपने पढ़ाई नहीं किया तो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, हमारी दोस्तों जो बुक वगैरह है उन्हें परचेस कर लीजिएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं आपसे एक बात बोलता हूं कि ज्यादा इन बातों में फोकस ना करें कि भर्ती में क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है, आज कोई नोटिस आया या नहीं आया, आज कौन सी न्यूज आई है, ये सबसे बड़ी दोस्तों
ये समझ लीजिए माइंड को प्रेशर देने वाली बात होती है, ठीक है। तो प्रेशर नहीं लेना है, अपना जो ज़्यादा टाइम है वो स्टडी में लगाना है, ठीक है। मुझे पता है दोस्तों एसएससी जीडी का जो पेपर आता है इजी आता है, लेकिन अपना को क्या पता दोस्तों, क्या पता एग्जाम बहुत ज़्यादा हार्ड आ जाए। अब फ्रेंड्स आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई एज क्या रहेगी इसमें, मतलब आपकी हाइट क्या रहेगी और यहाँ पर एज में डिस्काउंट दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, 18 से 23 साल रहेगी या 18 से 25 साल रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी। तो दोस्तों ये बहुत सारे आपके यहाँ पर जो कैरी है वो जो कैरीज थी वो आ रही थी यहाँ पर मेरे पास रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग मतलब आपकी ओवर एज की रिगार्डिंग आ रही थी कि हम ओवर एज हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं, हम फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपको यूट्यूबर्स बता रहे हैं ये सिर्फ एक लॉजिक के आधार बता रहे हैं, एक्चुअल जानकारी किसी के पास नहीं है क्योंकि अभी तक ऑफिशियल नोटिस ही नहीं आया, वो क्या बता सकते हैं आपको। तो अभी फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ आपकी एज कितनी भी हो आपको स्टडी करनी है, ठीक है। 18 से 25 साल हो सकती है एज जनरल वालों की, लेकिन बात यह है कि फ्रेंड्स अभी जो है किसी को एक्चुअल जानकारी पता नहीं है, ठीक है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि भाई अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्या पता दोस्तों आप ये सोचने में रह जाए कि भाई हम तो नहीं फॉर्म भर पाएंगे, और फॉर्म आप भर दें तो फ्रेंड्स आपका टाइम वेस्ट होगा नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ पढ़ाई कभी बर्बाद, पढ़ाई जो है ना कभी वेस्ट नहीं जाती है, लेकिन टाइम अगर आप वेस्ट करोगे ना तो ये सब ये समझ लीजिए आप बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप कभी भी दोस्तों ज्ञान ले रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं उसका यूज होगा, ठीक है। तो अपना टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप दोस्तों स्टडी में फोकस करें, ठीक है। मुझे पता है दोस्तों बहुत सारे लोगों को मेरी बात बुरी भी लग रही होगी और बहुत सारे लोग समझ ही पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए एज और यहाँ पर हाइट वगैरह जो आपका मेंशन है ना ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा बस, लेकिन स्टडी जिस दिन आपने रोक दी ना अपनी उस दिन आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, ये रियलिटी है। तो फ्रेंड्स बस टाइम वेस्ट ना करें, मैं आपको बस इसी पर्पज से समझाने के आया हूँ कि अपना जो है फोकस स्टडी पर करें। आपका नोटिस जारी होने में दोस्तों ज़्यादा दिन नहीं है, समथिंग समथिंग 20 से 25 दिन बाद आपका नोटिस आ जाएगा और आप फॉर्म में अप्लाई कर जाएंगे, लेकिन पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसे जरूर करें। और आपके जो क्वेश्चन होंगे वो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे दूंगा, कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने जो क्वेश्चन है उन्हें टाइप कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच और नमस्कार।